नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं जैसा कि देख रहा हूं कि लगातार मैं आपके हर वीडियो को पहुंचाने का प्रयास आप तक करते हैं और आपको हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको बारीकियों से आपको जानकारी मिलती रहे। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है, भैया हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। भाई देखिए, आपके ही परिवार का हिस्सा है ग्राम प्रहरी, कासगंज में हुआ, लखीमपुर में सम्मान हो रहा है और अय्या जिला में हो रहा है। आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये एक विषय है आपको जानकारी करने का। आप अपने अधिकारियों को बोल सकते हो, आपके जो भी सीनियर उनको कह सकते हो कि सर अगर दूसरी जगह ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों, तो आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब मैं औरैया की बात कर रहा हूं, मुझे तो बाद में पता चला जैकेट मिली है, कोट मिला है, स्वेटर मिला है, जूता मिला है, बहुत सारे 5 आइटम हर ग्राम प्रहरी को मिला है और आज शायद कंबल भी मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां अधिकारी मेहरबान वहां सब कुछ होता है। आप अपने अधिकारियों से मिलिए, आप उनको बोलिए कि सर अगर वहां हो रहा है तो मुझे भी मुहैया कराइए। अरे कितना अच्छी बात है कि यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस, पीछे लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस। अरे भाई, इससे बड़ा और पावर आपको क्या चाहिए? अब आपको पावर मिल रहा है, नंबर एक। दूसरा, भाई एक कमेंट कर रहा था कि हो सकता है कि ये कहीं कमेंट नहीं कर रहा था, उसका रिकॉर्डिंग मैं सुना था, मुझे नहीं पता कौन था, कि कहीं ऐसा ना हो भैया कि सम्मान सम्मान में हमको सरकार हिलगा करके और वेतन ना बढ़ाए, या हो सकता 500 रुपये बढ़ा दे। मेरे प्यारे भाई देखिए, 3 साल से सरकार, 4 साल से मैं तो देख रहा हूँ सो रही है, जिसने अभी तक ग्राम चौकीदारों के बारे में सोचा भी नहीं है। अब उसने शुरुआत कर दी है, तो आप इतना भी जल्दी मत करिए, हर काम धैर्य से होता। आपने 3 साल वेट कर लिया ना, 3 साल तो छोड़िए, इसके पहले से भी आप इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे सब कुछ मिलेगा। आप एक बात बताओ, आज आपको अगर सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान से तो पहले तो आपका शोषण खत्म होगा, जो कि आप सबसे ज्यादा तकलीफ में थे। आप एक इज्जत की नौकरी कर सकते हैं। बात वेतन की आती है तो फरवरी माह में जो बजट आ रहा है उस बजट पर फोकस करो। सरकार बजट में पैसा देगी तो खाते में आएगा, और उधारे के तौर पर अगर इसमें भी हीला हवाली करती है ना, तो ये जो जागरूकता फैल रही है और जो सम्मान मिल रहा है ना, इसी को लेकर के आगे की जो कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। लेकिन मैं आपसे फ्रॉड की तरह नहीं बोलूंगा, जैसे लोग बोलते कि भाई वेतन बढ़ जाएगा, फलाने तारीख को हो जाएगा। अरे मैं क्यों बोलूं भाई, मैं जानता हूं कि कई बार घपला होता है, फिर आप लोग हमसे कहते हो, इसलिए मैंने बोलना ही बंद कर दिया। जब तक आपके खाते में पेमेंट नहीं आएगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, मेरा ये मानना है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संयम बरतो मेरे भाई, धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है। जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि गलत कदम उठ जाए। जल्दबाजी में आप पता लगा सरकार के डंडा डाले हुए हैं, हम भी डंडा डाले हुए हैं, वो 1500 सच में बढ़ा देंगे, उसके बाद में फिर 5 साल तक बैठोगे। अरे चाहता हूं कि सम्मान अगर मिल रहा है तो सम्मान भरी सैलरी भी हो जाए। भाई देखो, एक बात याद रखना, बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं, भाजपा जो वादा करती है वह पूरा करती है, समय लग सकता है। कहते हैं ना कि देर भले ही है अंधेर नहीं, वही है। भाजपा कभी भी अपने वादे से मुकरती नहीं है, बस कुछ हालात ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसे पीछे हटना होता है। उन्होंने अपने उस पर वादा किया था 10,500 रुपए का, तो आप ये मान के चलिए कि आपका वेतन मान इतना ही होके रहेगा। थोड़ा धैर्य रखो मेरे भाई, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं आपको सीना फाड़ के दिखा दूं, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करो। आप लोग जब ऐसे बोलते हैं तो मुझे भी बड़ी परेशानी होती है कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। सोचो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा धैर्य रखो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप सरकार के मुंह पर चौकीदार का नाम आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, बस आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, आपको दिखाना होगा कि आप क्या हैं। तभी यह नहीं है कि घर गांव में रह करके बेईमानी करवाओ, उल्टे सीधे काम करवाओ, तो इसका मैं सपोर्ट नहीं करता। आपको इतनी ईमानदारी से ड्यूटी करनी होगी जो आपकी ड्यूटी है, और सरकार का पूरा समर्थन आपको साथ देना होगा और प्रशासन का साथ देना होगा, तब जाकर के यार सम्मान बढ़ता। आप अपने थाने पर अधिकारियों से अच्छी बना के रखेंगे तो आपका सम्मान आपको क्यों नहीं मिलेगा? अब आप लोग एकदम अपने ही सीनियर को करी आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कैसे काम चलेगा? तो सीनियर की इज्जत करो और मान सम्मान के लिए अपने अधिकारियों को कहो क्यों नहीं होगा। आप वीडियो और फोटो दिखाओ उनको, सर दूसरी जगह हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा? होगा, बैठने से काम नहीं चलेगा कि घर बैठ गए बस हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसा नहीं।
ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमेशा आपको एक एक चीज बारीकों से समझाने का प्रयास करता हूँ, और फिर भी ना समझ पाओ तो मुझे लगता है कि इस तरह से कोई समझा नहीं पाएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ विगत 8-10 दिन से आप लोग बहुत आशीर्वाद अपना प्यार बरसा रहे हैं। वीडियो हमारा आगे चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। ऐसे अगर थोड़ा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो मुझे पता है कि मुझे भी उत्तेजना मिलती है, मैं आप फिर आपके लिए और अच्छी मेहनत कर सकता हूँ। जब वीडियो चलता नहीं है तो बहुत अंदर कष्ट पहुँचता है, और जब चलता है तो मुझे और मज़ा आता है वीडियो बनाने में, है ना। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आपका ये अपना ही चैनल है, इसे अपना समझ कर लाइक कमेंट और शेयर करें। जय हिंद।